हाय गाइस, जय माता दी, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये वीक कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। इट्स अ जनरल रीडिंग, सो मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। पहले हम आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। ओके, फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल, आप किसी चीज़ को होल्ड ऑन कर रहे हैं, आप हो थोड़ा सा उदास हैं, किसी चीज़ को लेके मायूस हैं, बट आप किसी के साथ फैमिली इमेजिन करते हैं। टेन ऑफ कप्स कुछ चाहते हैं किसी के साथ बिल्डअप करना, हैप्पी होम, हैप्पी लाइफ, कंटेंट फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, राइट? और मे बी हो सकता है कि लाइक वो कहते हैं ना, यू आर लाइक अ हाई प्रीस्टेस, वेरी स्पिरिचुअल, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, वेरी लॉयल पर्सन, एंड वेरी लाइक बहुत नॉलेज है आप में, बट यू आर होल्डिंग इमोशंस। आप अपने आप में कुछ चीज़ें हैं जो आप, ऑल दो आप इस चीज़ में लाइक आप डिटरमाइंड हैं कि आप इस रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड मे बी योर पर्सन इज़ रिफ्यूजिंग, इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, या मे बी दे आर लाइक अभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ऑल दो दे हैव इमोशन, बट मे बी हो सकता है योर पर्सन इज़ हैविंग सम सॉर्ट ऑफ न्यू ऑफर। मे बी हो सकता है उनकी लाइफ में मे बी कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, कोई उनको आगे लाइक कुछ हो सकता है, मे बी अ न्यू ऑफर, या मे बी हो सकता है कुछ चल रहा है, ऑल दो दे हैव इमोशंस फॉर यू, बट वो कुछ रिफ्यूज़ कर रहे हैं। नाउ इन द फ्यूचर मैं देख रही हूँ समबडी इज़ लाइक समबडी वॉन्ट्स टू ग्रो दिस रिलेशनशिप, बट कुछ चीज़ है जो आपको होल्ड बैक कर रही है, कुछ चीज़ है आपको लाइक आप दोबारा से उस चीज़ को रीबिल्ड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ करना, कुछ ग्रो करना, बट समथिंग इज़ लाइक गिविंग यू स्लीपलेस नाइट। कुछ है जो आपको बॉदर कर रहा है, जिसकी वजह से आप, वो कहते हैं आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। लेट्स क्लैरिफाई, लेट्स टेक सम गाइडेंस फ्रॉम अवर एंजल्स। Pressing, you are isolated, you are feeling isolated. Maybe हो सकता है you need to like कोई third party definitely, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, you are suppressing your emotions और control issues हैं, you are the creator. See, आप you need to like, maybe हो सकता है आपको नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, maybe आप कुछ issues हैं जो आप बहुत ज़्यादा like ignore कर रहे हैं, या maybe हो सकता है कि आप देख के भी देख नहीं पा रहे हैं, सो यू नीड टू ओपन अप, और आपको एक नया आउटलुक रखने की ज़रूरत है, मे बी टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप और मे बी फॉर द फ्यूचर। चलिए बात करते हैं आपके करियर की। ओके, यू आर टेकिंग टाइम, कुछ चल रहा है जो आपको बॉदर कर रहा है, मे बी हो सकता है कुछ मनी इश्यूज हो, राइट? कुछ चीज़ें बॉदर कर रही हैं, आप साइलेंट हैं, आप यू आर टेकिंग टाइम अबाउट योर फाइनेंसेस, अबाउट योर मनी, कुछ भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं। मे बी हो सकता है कोई बॉस हो, कोई हायर अथॉरिटीज की वजह से आप कुछ ऐसा यू आर फेसिंग, मे बी आपको कोई मनी इश्यूज हो। यस, आप सी यू विल बी हेडिंग टूवर्ड्स विक्ट्री, सक्सेस, मे बी हो सकता है अभी आप साइलेंट है, यू आर टेकिंग टाइम, बट आपको कोई हेल्प मिले, कुछ है जो कोई डिप्लोमेटिक हो रहा है, कोई वर्क प्लेस पे कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कुछ चल रहा है, यू आर टेकिंग टाइम, बट इन द फ्यूचर मुझे लग रहा है कि यू विल बी हेडिंग टूवर्ड्स विक्ट्री, कुछ सक्सेस मिलेगी, कोई आपकी हेल्प करेगा, या मे बी कोई होगा कोई जेनरस होगा, एंड यू विल अगेन राइज, एंड यू विल मूव फॉरवर्ड। Thank you.
कोई आपकी हो सकता है मदद कर सकता है, कोई मे बी आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड आउट है, मे बी हो सकता है रिलेशनशिप या मे बी कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे. नथिंग लेस इज ऑल अबाउट लाइक सी यू नीड टू थिंक. आपको थोड़ी देर आपको बहुत ज़्यादा आपका माइंड बहुत ज़्यादा लाइक आप सोच रहे हैं या मे बी यू आर स्ट्रेस्ड आउट, तो यू नीड टू रिलीज दैट स्ट्रेस, राइट? यू नीड टू रिलीज सो दैट आप अगेन यू आगे कुछ ब्लॉसम हो सके आपकी लाइफ में, कुछ नए तरीके से सोच सकें, और कोई आपकी लाइक मे बी हो सकता है कि कोई आपकी हेल्प करे एक्चुअली में, हो सकता है कि कोई आपकी मदद करे, या यू नीड टू जेनरस, यू नीड टू बी ओपन अप, राइट? आप बहुत ज़्यादा लाइक अंदर बंद आपने अपने आप को कर लिया है या बहुत ज़्यादा वैसा फील कर रहे हैं, राइट? सो बहुत पॉसिबिलिटी है, मुझे लग रहा है कि दैट यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग और जिसकी वजह से आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे. So release from that energy. So that's all we have for all you people. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए. थैंक यू सो मच.